हेलो एंड वेलकम बैक टू रसल एक्स प्रो। तो आज हम लोग बात करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी के बारे में और उसमें क्या क्या होने वाला है। लेकिन इंट्रो के बाद लेट्स हाँ, तो देखिए अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मेरे को पता आप लोग भी एक्साइटेड हो, मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो। ये जो मैच होने वाला है, ये होने वाला है सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स के बीच में। दोनों ने अपने अपने प्रमोशन और ब्रांड्स के ऊपर में बहुत मेहनत करके टूर्नामेंट में ट्रिपल थ्रेट्स मैचेस लड़ लड़ के अच्छे से अपनी पूरी परफॉर्मेंस जिता के दोनों ने जीता और दोनों नंबर वन कंटेंडर्स बन चुके हैं। तो अब क्या सीन आता है इन दोनों का होने वाला है मैच नाइट ऑफ चैंपियंस के ऊपर में, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आती है मेन फैक्ट सी बात। एजे स्टाइल्स जो हैं उनकी अब इतनी एज आ चुकी है कि वो वापस चैंपियन नहीं बन सकते, और जो सेथ रॉलिंस है अब इनका जो ऐसा टाइम है कि अगर ये तो इनका आगे का 10 साल का कैरियर भी है तो ये जितना चाहे वो उसमें अचीव कर सकता है, लेकिन लोग सेथ को चैंपियन बनना जितना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो लोग सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनते हुए। लेकिन जो एजे स्टाइल्स है उनका जो कैरियर का इतना एंडिंग मोमेंट है और ये रिटायर होने वाले, क्योंकि हिज एज इज़ एट 45, 50 और एज में तो ये रिटायर हो जाएंगे एजे स्टाइल्स, ये हम सबको पता है। लेकिन एजे स्टाइल्स लेकिन रिटायर होने वाला, रिटायर होने से पहले उनको एक टाइटल चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि एजे स्टाइल्स को अगर ये टाइटल चाहिए तो उन्हें ये फर्स्ट एवर चैंपियन तो बनने नहीं देना चाहिए, मैं चाहता हूँ, मेरे पर्सनल थॉट्स है। तो आप लोग कमेंट में कुछ बोलना होते हैं। तो देखो सेथ रॉलिंस है वो डिजर्व करते हैं ये चीज़ टोटली जीतना, ये हमें ही पता है, क्योंकि 4 सालों से ना सेथ ने जीता है ना एजे ने जीता है। तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं तो ऐसा आदमी जो देखता है, न्यूट्रल आदमी हूँ मैं, ठीक है, अगर सेथ भी जीते और एजे भी जीते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए, जैसा देखिए आप सुनिए बात, ये जो सेथ रॉलिंस है ये जो है ये अपना टाइटल रेन वैसा कर सकते हैं जैसा वो करना चाहते हैं, और वो भी बेस्ट देंगे अपना टाइटल रेन में। एजे स्टाइल्स भी अपना बेस्ट देंगे टाइटल रेन। अगर ये मैच कुछ ऐसा जा सकता है तो बेटर है ना, जो भी है। लेकिन मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि पहले चैंपियन अपने सेथ रॉलिंस बन जाए, उनका रेन अगर 5-6 महीने तक आप लोग चला दिए, फिर क्राउन ज्वेल में इनका मैच करा के उसमें आप एजे स्टाइल्स को दिखा देना। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था स्मैकडाउन पे, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। हम लोग सबने सोचा हुआ था कि उसोस जाएंगे, उसोस करेंगे, लेकिन जो ब्लड लाइन की अभी अपने अंदर में थोड़ा साड़ी चल रही है ना, तो उससे मेरे को तो लगता है भाई रोमन रेंज इस मैच को जीत सकते हैं। भाई मैं तो बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है रोमन के इस मैच को जीतने की, चांसेस 60-40 है, 40% चांसेस है कि रोमन जीत सकते हैं, 60% है कि ये ना जीते, मतलब फेवर में चल रहे हैं कि वो नहीं जीते। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर रोमन जीत जाए, और अगर रोमन नहीं जीते तो उस पर ये बात है कि ताकि द उसोस जो है वो टर्न कर जाए रोमन रेंज के ऊपर, तब ये चीज़ बहुत ही हैवी लगेगी वहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ। अगर द उसोस रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के ऊपर में टर्न कर जाते हैं तब ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो जाएगी। और जो सोलो सिकोवा, आप लोगों ने देखा ही होगा रोमन रेंज का स्मैकडाउन पर कंधा बिट गया था सोलो सिकोवा से, और रोमन रेंज पर डरे डरे नज़र आ रहे थे, क्योंकि अगर ये जो रेन रोमन रेंज का अगर जाना है 1453 डेज तक का लंबा रेन अगर इनका जाना है, तो भैया एक चीज़ आप लोग यहाँ पे WWE में से एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रोमन रेंज है वो यूनिवर्सल टाइटल ही अपना रखें, और या फिर मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि इनका जो टाइटल है, जो इनका ये चल रहा है, मर्ज भी हो जाए। मेरी प्रेडिक्शन तो आप लोग समझ लीजिए कि ये टाइटल नहीं जीतने वाले, केविन ओवेंस और सैमी तो रिटेन कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अपना नेक्स्ट टॉपिक है नाइट ऑफ चैंपियंस, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। मैं चाहता हूँ बैकलैश के बाद बीस्ट इनकार्नेट जितना लेवल का डोमिनेट कर सकते हैं ना, करे इस मैच को, लेकिन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ही जीते, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कोडी टू विन दिस मैच। पिछली बार जो हुआ था वो एकदम ही अनक्लियर था, क्योंकि आज मतलब कुछ हफ्ते पहले रॉ में जितना आंखें बीटा था ना उन्होंने, और आज की जो रॉ का एपिसोड था, आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, इस एपिसोड के अंदर में भी ब्रॉक लेसनर ने आके कोडी रोड्स को जो कमूरा लॉक लगाया है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, जब ब्रॉक लेसनर कमूरा लॉक लगाते हैं ना, एकदम पुराने बीस्ट इनकार्नेट वाली फील आती है। ओह माय गॉड, ब्रॉक लेसनर आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन कोडी का तो आर्म इंजर्ड हो गया, तो मेरे को लग भी नहीं रहा कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस में शायद से परफॉर्म कर भी पाएंगे, क्योंकि इंजरी जो दे दी है ब्रॉक लेसनर ने, मेरे को लगता है वो हील भी हो जाएंगे कोडी, लेकिन बीस्ट से कौन नहीं बचता, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है वो। इनके होने वाला है नो होल्ड बार्ड मैच जहाँ तक मेरे को पता है, बिकॉज इनकी जो फाइटिंग है बहुत खतरनाक होने वाली है नाइट ऑफ चैंपियंस में।
अगर आप लोग बात करें मेरे ओपिनियन की, मैं तो कहता हूँ आप लोगों के ब्रॉक लेसनर जीत जाएंगे ये मैच को क्लीनली, समझ रहे हैं आप लोग, क्लीन जीतेंगे ब्रॉक। और अगर क्लीन नहीं जीते तो कोडी का है शायद से सीन। लेकिन अगर मैं बैटिंग आउट्स का बताऊँ तो बैटिंग आउट्स के हिसाब से यही चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने जीते, जो भी बैटिंग आउट्स की वेबसाइट और आती है उनमें यही बताया जाता है। तो आई टोटली सपोर्ट ब्रॉक लेसनर इन दैट। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रॉक लेसनर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।